हेलो गाइज, कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो गाइज, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों को कंप्लीट देखना चाहिए। आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ईएमएमसी से आने वाले फॉल्ट के बारे में। हालांकि ईएमएमसी से जितने भी फॉल्ट आते हैं उनके बारे में गाइज आपको ऑलरेडी पता होगा, लेकिन फिर भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए, क्योंकि गाइज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ईएमएमसी से आने वाले एक नए फॉल्ट के बारे में बताने वाला हूँ। इसलिए गाइज आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप ईएमएमसी का काम करते हैं तब भी आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। अगर आप ईएमएमसी का काम नहीं करते तब भी गाइज आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना चाहिए। इस वीडियो से आपको काफी अच्छा जो नॉलेज है वो मिलने वाला है। इस वीडियो से गाइज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करना चाहते हैं तो इसके लिए गाइज आप हमारे चैनल पर जो पुरानी वीडियोज हैं उनको देख सकते हैं। हर वीडियो से आपको एक जो नया नॉलेज है वो मिलने वाला है। हर वीडियो से आपको काफी अच्छी जो जानकारी वो मिलने वाली है। इसलिए गाइज उन सभी वीडियो को देख के आप अपना जो नॉलेज है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं। देखिए गाइज ईएमएमसी से आने वाले जितने भी फॉल्ट हैं उनके बारे में गाइज ऑलरेडी आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ईएमएमसी से कौन कौन से जो फॉल्ट हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। देखिए गाइज सबसे ज्यादा जो फॉल्ट हमें देखने को मिलता है ईएमएमसी प्रॉब्लम के अंदर वो है गाइज हैंग ऑन लोगो प्रॉब्लम में काफ़ी सारे सेट हमारे पास आते हैं। उस टाइम पे गाइज हमें ईएमएमसी है उसको निकाल के उसकी जो हेल्थ है उसको रिपेयर करना होता है, और उसके बाद जो फ़ोन है वो कंप्लीट ऑन हो जाता है। हम पहले फ़ोन के अंदर बार बार फ्लैशिंग कर देते हैं, लेकिन फिर भी फ़ोन हैंग ऑन लोगो रहता है, यानी फ़ोन के अंदर सिर्फ कंपनी का नाम आता है, उससे आगे वो कंप्लीट ऑन नहीं होता। तो उस टाइम पर गाइज हमें ईएमएमसी की जो हेल्थ है उसको रिपेयर करना होता है। ईएमएमसी की हेल्थ कैसे रिपेयर करते हैं इस पर मैंने एक पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा गाइज एक जो फॉल्ट हमें देखने को मिलता है वो है गाइज डेड प्रॉब्लम, यानी ईएमएमसी जब डायरेक्ट फोन की डेड हो जाती है तो उसके बाद हमारा जो फोन है वो भी कंप्लीट डेड हो जाता है। तो उस टाइम पे हमें ईएमएमसी को गाइज चेंज करना पड़ता है। ईएमएमसी होती है उसको हमें चेंज करना होता है। ईएमएमसी कैसे चेंज करते हैं इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक फॉल्ट हमें और देखने को मिलता है ईएमएमसी फॉल्ट के अंदर, वो है गाइज रिस्टार्ट प्रॉब्लम के अंदर भी गाइज जो ईएमएमसी होती है उसकी जो हेल्थ है वो खराब हो जाती है, और उस टाइम पे भी ईएमएमसी को निकाल के उसकी जो हेल्थ है वो रिपेयर करनी होती है। तो ये जो तीन फॉल्ट हैं ये आपको मार्केट के अंदर काफी सारे देखने को मिलेंगे, इनका जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब के ऊपर। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम और रहती है ईएमएमसी से, जिसको टेक्नीशियन पहचान नहीं पाते कि फोन के अंदर प्रॉब्लम कहाँ पे। देखिए गाइज काफी सारे ऐसे फोन आपने देखे होंगे, ऐसे फोन आपके पास आते होंगे जिनके अंदर प्रॉब्लम रहती है हैंगिंग की। कस्टमर का कहना होता है कि फोन बार बार हैंग होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि नॉर्मली उसके अंदर एक बार फ्लैशिंग कर देते हैं। फ्लैशिंग करने के बाद एक या दो दिन तो फोन काफी अच्छा चलता है, और उसके बाद फिर से जो कस्टमर है वो बोलता है कि फोन फिर से हैंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर से उसके अंदर फ्लैशिंग कर देते हैं। बार बार हम फ्लैशिंग करते हैं लेकिन फिर भी फोन के अंदर जो प्रॉब्लम वो सेम बनी रहती है, फोन बार बार हैंग करता है, फोन की जो स्टोरेज है वो भी बिल्कुल खाली है लेकिन फिर भी फोन हैंग होता है। उस टाइम पे हम समझ नहीं पाते कि फोन के अंदर फॉल्ट है कहाँ पे। और काफी सारे ऐसे फोन होते हैं जो कि चलते चलते रिस्टार्ट हो जाते हैं, मतलब फोन एकदम अच्छे से काम कर रहा है और कभी कभार उस पर थोड़ा ज्यादा लोड आता है तो उस टाइम पे फोन रिस्टार्ट हो जाता है। तो ये जो दो प्रॉब्लम है ये गाइज जो प्रॉब्लम रहती है ये भी ईएमएमसी का फॉल्ट रहता है। फोन बार बार हैंग होता है, हमने 2 से 3 बार 4 बार 5 बार फ्लैशिंग कर दिया फोन के अंदर लेकिन फिर भी फोन बार बार हैंग हो रहा है, फोन की जो स्टोरेज है वो भी खाली है, फोन के अंदर कुछ भी नहीं है फिर भी फोन हैंग हो रहा है। तो उस टाइम पे ये जो फॉल्ट रहता है ये गाइज फॉल्ट रहता है ईएमएमसी प्रॉब्लम का। उस टाइम पे गाइज सिर्फ आपको ईएमएमसी की हेल्थ को रिपेयर करना होता है। जब आपके पास ऐसा कोई फोन आता है जो बार बार हैंग कर रहा है और उसको आपने फ्लैशिंग भी कर दिया, 2 से 3 बार फ्लैशिंग कर दिया लेकिन फिर भी फोन हैंग हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको उसकी जो ईएमएमसी उसको चेक करना है। जब आप उसकी ईएमएमसी को चेक करेंगे तो उस टाइम पे गाइज उसकी जो हेल्थ है वो एसएलसी और एमएलसी दोनों आपको लगभग 50% तक यूज आपको देखने को मिलेंगे। जब फोन हैंगिंग प्रॉब्लम में आए आपके पास कि बार बार फोन हैंग कर रहा है और उसको आपने कई बार फ्लैशिंग भी कर दिया है लेकिन फिर भी फोन हैंग कर रहा है, तो उस टाइम पे जब आप ईएमएमसी को निकाल के चेक करेंगे तो उस टाइम पे उसकी जो हेल्थ है वो आपको खराब देखने को मिलेगी,
कम से कम आपको 50% तक जो उसकी हेल्थ है वो आपको यूज देखने को मिलेगी। जब ये जो हेल्थ है वो 50% तक जब ईएमएमसी की जो हेल्थ है वो यूज हो जाती है तो उसके बाद फोन बार बार हैंग करने लगता है और कभी कभार फोन चलते चलते रिस्टार्ट भी होने लगता है। तो ये जो फॉल्ट है गाइज हैंगिंग प्रॉब्लम का, ये भी गाइज ईएमएमसी से ही रहता है। ये एक ईएमएमसी का फॉल्ट होता है, उस टाइम पे गाइज आपको ईएमएमसी की जो हेल्थ है उसको रिपेयर करना होता है। तो ये जो फॉल्ट है ये आपने काफी देखा होगा, आपके पास कोई ऐसा फोन आया हो जिसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, बार बार आपने फ्लैशिंग कर दिया लेकिन फिर भी जो फोन है वो बार बार हैंग कर रहा है और उसका जो सॉल्यूशन है वो आपको नहीं मिला होगा। तो गाइज ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हैंगिंग प्रॉब्लम में भी ईएमएमसी से फॉल्ट रहता है। तो गाइज आपको मैंने यहाँ पे बताया कि ईएमएमसी से कौन कौन से जो फॉल्ट है वो देखने को मिलते हैं। सबसे पहला जो हैंग ऑन लोगो है ये जो फॉल्ट है वो देखने को मिलता है। उसके बाद डेड प्रॉब्लम भी आपको ईएमएमसी से देखने को मिलती है या फिर रिस्टार्ट प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। और इसके अलावा गाइज एक जो फॉल्ट रहता है हमारा वो है हैंगिंग प्रॉब्लम। तो ये जो चार फॉल्ट हैं ये गाइज आपको ईएमएमसी से देखने को मिलते हैं। अगर गाइज इन पे आपको एकदम बिल्कुल डिटेल वीडियो चाहिए, अलग अलग वीडियो चाहिए, जैसे कि हैंग ऑन लोगो है तो उस टाइम पे हमें क्या करना है, कैसे उसकी हेल्थ रिपेयर करना है और क्या हमें ध्यान रखना है, किस बातों का हमें ध्यान रखना है, और डेड फोन अगर हमारे पास आता है जिसमें ईएमएमसी की प्रॉब्लम है तो ईएमएमसी को हमें कैसे चेंज करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर रिस्टार्ट प्रॉब्लम या हैंगिंग प्रॉब्लम में फोन आता है तो उसको हमें कैसे रिपेयर करना है स्टेप बाय स्टेप, अगर आपको वीडियो चाहिए तो गाइस कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। इन सभी टॉपिक पे मैं आपको वीडियो जरूर बना के देने वाला हूँ। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो ताकि आने वाले जो वीडियोज हैं उनका जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको कंटिन्यू मिलता रहे। तो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर मिलेंगे।